अफसोसनाक वाकया है कि आज पूरा मियांवाली, मैं समझता हूँ ना सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा मियांवाली, और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ है जिसने हमारी रूहें तक कांप गई हैं, और बल्कि शहरी जितने भी मियांवाली के लोग हैं, हम बड़े महजब लोग हैं, हम बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, और हम समझते हैं कि ये जो है वाकया जो है ये एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, ताकि जो इसमें मुजरिम है या मुलजिम है, वो एग्जाम्पल इसलिए मैंने कहा कि उसको करार सज़ा जो है वो सरेआम होनी चाहिए, और उसने जो है वो दीन इस्लाम से पहले के जो वाक़यात हैं जहाँ पे बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था वो ताज़ा की है, और ये हमारे लिए नाकाबले बर्दाश्त भी है और नाकाबले कबूल भी है। हम समझते हैं कि ऐसे वाक़यात जो है वो मुआशरे के अंदर अगर होने लग जाएं तो मुआशरा तबाही की तरफ चला जाएगा, और इस पे आज मैं समझता हूँ कि मियांवाली की हर एक आंख जो है वो अशकबार है। इस पे आप क्या कहें इससे ज़्यादा, हमारे जो है ना वो अल्फाज साथ ही नहीं दे। पहली बात तो ये है कि इस वाक़े के बाद हमने फौरन पुलिस और हमारा जो था वो मुसलसल रबता था। हम समझते हैं कि सबसे पहले जो इसका जो मैं समझ जो मुलजिम है उसके लिए हम एक बाकायदा जो है एक जो दफात हैं वो दहशतगर्दी की मैं समझता होनी चाहिए, और फिर सरेआम फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों के। मैं ज़ाती तौर पे पहले भी लेजिस्लेशन जो है इस के ऊपर जो है अगर कहीं कमी कोताही है तो उस पर नेशनल असम्बली में लेके आऊँगा, लेकिन हम इतना मजबूत केस बनाएंगे कि कभी भी मुलजिम